गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज़ एल्युमिनियम, और इसका जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट। तो अभी तक हम लोगों ने आयरन ओर और कॉपर के बारे में पढ़ाई कर ली है, तो अब हम लोग जानकारी लेंगे बॉक्साइट के बारे में। एज आई टोल्ड यू दैट बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट से हमको एलुमिना मिलता है जिससे हम एल्युमिनियम बनाते हैं। आफ्टर आयरन बॉक्साइट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मिनरल एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी माइनिंग होती है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलिटी है, बहुत ही हाई है। इसके यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, और इवन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही लाइट मेटल होता है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। इन कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है, मैंने बताया अभी आपको। मैनुफैक्चरिंग यूटेंसिल्स, पेंट्स, बॉक्साइट व्हेन प्रोसेस्ड इनटू एल्युमिनियम यूजेज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जब बॉक्साइट को हम प्रोसेस करते हैं एल्युमिनियम बनाने के लिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। एज अ रिजल्ट इट इज़ लोकेटेड नियर पावर स्टेशंस। तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे, वाई एल्युमिनियम इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड नियर द पावर स्टेशन और द एरियाज़ जहाँ पर प्रोसेस किया जाता है बॉक्साइट को, वो पावर स्टेशन के नज़दीक क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न है हैवी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, जिससे हम इसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाकर एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोर ओवर अ प्रोसेसिंग एट द माइनिंग साइट रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द बल्की रॉ मटेरियल। बात यह भी है कि इसका जो रॉ मटेरियल काफ़ी बल्की होता है, तो अगर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो काफ़ी दूर होंगी, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए बॉक्साइट का जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है माइनिंग सेक्टर के आसपास ही आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन देखने को मिलेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया, गेना, जमैका, ब्राज़ील एंड इंडिया इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। अगर हम इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो देखो झारखंड का नाम तो आपको पता ही है। जब जब मिनरल्स का नाम आता है, झारखंड का नाम तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो आप देखो, बॉक्साइट इज़ फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। अब ये तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि झारखंड काफ़ी अमीर है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। बट अब स्टूडेंट्स, आपको मैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि जो नेपोलियन टू था, इसके बारे में जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके टाइम में, नेपोलियन टू के टाइम में, जो हमारा एल्युमिनियम है इसको गोल्ड से ज़्यादा प्रीशियस माना जाता था। नेपोलियन टू के टाइम में जो भी उसके गेस्ट आते थे उसके दरबार में, उसे वो एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाता था, और उसके जो कोट होता था, जो पोशाक होती थी, उसमें बटन्स जो होते थे एल्युमिनियम के होते थे। मतलब उस टाइम में एल्युमिनियम वॉज कंसिडर्ड मोर प्रीशियस दैन गोल्ड, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस बात थी कि कोई एल्युमिनियम के बर्तनों में खिला रहा है। मगर आज कंडीशन बिल्कुल क्या है, दूसरी है। अगर आप किसी को कह दो कि एल्युमिनियम का कटोरा पकड़ लो, इट मीन्स यू आर सेइंग हिम टू बिकम अ बेगर। तो ये बहुत से चेंजेस आप हिस्ट्री में आप देख सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नेपोलियन टू के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में। अगर हम मैंगनीज के बारे में बात करें, तो इसका भी इस्तेमाल होता है स्टील और एलॉयज को बनाने में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक एनामल, ड्राई सेल बैटरीज, ग्लेज्ड पॉटरी, प्लास्टिक केमिकल्स, वार्निश एंड ग्लासेस। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, मोरक्को, घाना आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज। ये मोरक्को और जो घाना जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करें इंडिया में, तो मैगनीज फाउंड इन ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सो दिस वेयर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट वी हैव डिस्कस टूडे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टीन और गोल्ड के बारे में। थैंक यू।